शमशाबाद में किसान के आलू गबन के आरोप पर कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने किसानों के साथ एक समन्वय सभा का आयोजन किया। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कोल्ड स्टोरेज संचालक अवनीश कांत गुप्ता पर लगे आरोपों को निराधार बताया। साथ ही इस दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान भी पहुंचे। शमशाबाद में कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष पर किसान के 90 लाख रुपए के आलू बेचने के आरोप में धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद गुरुवार को एसोसिएशन ने किसानों के साथ संवाद के लिए सभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाने वाले किसान को ब्लैकमेलर बताया और किसानों के सामने अपनी सफाई पेश करते हुए समन्वय बनाए रखने की अपील की। गौरतलब है कि आगरा के शमशाबाद क्षेत्र के गाँव गढ़ी खंडेराव निवासी किसान राजू द्वारा लुहरी स्थित ओम प्रकाश बैजनाथ कोल्ड स्टोरेज के संचालक और एसोसिएशन के अध्यक्ष अवनीश कांत गुप्ता उर्फ बल्लो पर उनके कोल्ड स्टोरेज में जमा 90 लाख के आलू बेच देने का आरोप लगाया है। किसानों के लगातार प्रदर्शन के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद किसानों में अपना भरोसा बनाए रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज संचालक और किसानों के साथ सभा का आयोजन किया गया। इसका नाम राजू है, करीब 4-5 महीने से हमारा उत्पीड़न कर रहा है और परस्पर वो शिकायत कर रहा है, कभी DHO में, कभी थाने में, कभी सेल टैक्स में, कभी इनकम टैक्स में, और कभी कभी किसान यूनियन के साथ धरना प्रदर्शन भी करता है। उस उत्पीड़न के तहत जब पुलिस के पास केस आया है तो पुलिस को हमने सारे कागजात दे दिए हैं और वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन परस्पर कहीं ना कहीं वो जब रास्ते में बेईमान है, चोर है, इस तरह की बातें करता है। हमारी एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया, हम पहले भी जिलाधिकारी को ज्ञापन दे के आ चुके हैं, हमने ये निर्णय लिया कि हम स्थानीय स्तर पर एक बैठक करें और अपने किसानों के साथ समन्वय बैठा के और किसानों को ये समझाएं कि सच्चाई क्या है, जिससे आगामी जब सेशन चालू होगा और आलू भंडारक हमारे यहाँ आलू रखेंगे तो हमारे और उनके अंदर जो एक कोऑर्डिनेशन है वो कहीं ख़त्म ना हो, क्योंकि ये जो व्यापार है, व्यापार कोई भी हो, चाहे शीतगृह का हो, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, कहीं ना कहीं आपस में एक विश्वास के ऊपर चलता है। जिस तरह से हमारे संस्था के अध्यक्ष के खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया है, 420 का मुकदमा लिखा गया है, वो बिल्कुल गलत है। हमारी सबसे पहली मांग तो ये थी रही है शासन से कि इस तरह के मुकदमेबाजी जो आप कर देते हैं बिना किसी जांच के, कहीं ना कहीं हमारे अध्यक्ष जी की, पूरी संस्था की, और मैं मानता हूँ सारे कोल्ड स्टोर वालों की, कहीं ना कहीं इसमें छवि तो धूमिल हुई है, हमारे ऊपर लोग ब्लेम तो कर रहे हैं। हमने आज यहाँ पर सभा जो बुलाई गई है, किसानों को बुलाया गया है, तो कम से कम किसानों को मालूम तो पड़े कि आखिरकार मसला क्या है। शासन प्रशासन ने जो एक तरफा कार्रवाई की है बिना किसी सबूत के, बिना कुछ कागज चेक किए, बिना कुछ पत्राचार किए, जिस तरह से मुकदमा लिखा गया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सभा के दौरान अध्यक्ष अवनीश कांत गुप्ता ने बताया कि 4 माह से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। 300 रुपए की दिहाड़ी पर 30 से 35 लोग प्रदर्शन करते हैं और प्रशासन दबाव में मुकदमा लिख देता है। प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही है। किसानों के साथ संवाद सभा में सैकड़ों किसान मौजूद रहे। सी न्यूज़ के लिए शमशाबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।